हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने फाइनली अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में जो स्कॉट ट्रैक्टर है उसको ले लिया। अगर आपको भी देख लेना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स यार, आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि भाई मैं बताने वाला हूँ आपको कि अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में हम कैसे अपने स्कॉट ट्रैक्टर को ले सकते हैं। तो गाइस, स्कॉट ट्रैक्टर को लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में जो महिंद्रा ट्रैक्टर है इसको भाई स्पैन कर देना है। एंड अब मैं आपको आगे की ट्रिक बताने वाला हूं। तो गाइस, जो आगे की ट्रिक है इसको मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गाइस अगर आगे की ट्रिक आपने मिस कर दी तो समझ लो आपने जो अपना स्कॉट ट्रैक्टर है इसको भी मिस कर दिया। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको फुल टू फुल ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे आप इस स्कॉट ट्रैक्टर को खेल सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर वीडियो की एक शानदाजी शुरुआत करते हैं। इधर सबसे पहले आपको स्कॉट ट्रैक्टर खेलना है तो भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले अपने ट्रैक्टर में जाना है। एंड गाइस थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अगर से आपने यह सेटिंग्स को मिस कर दिया तो भाई आप जो स्कॉट ट्रैक्टर का जो रियल लुक है जो मैंने आपको दिखाया उस ट्रैक्टर का लुक को मिस कर दोगे। तो गाइस आपको तो यानी कि लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आपको जाना है मॉडिफिकेशंस में। एंड ध्यान से देखिएगा, आप मॉडिफिकेशंस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक्टर मॉडिफिकेशंस का। आपको मेरी उंगली कहाँ कहाँ जा रही है आपको ये एरो दिख रहा है वाइट कलर का डॉट, इससे पता चलते रहेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा भाई स्टंट मोड का। तो गाइस ध्यान से देखिए भाई, मैं जिस चीज को ऑन कर रहा हूँ ना, आपको उस चीज़ों को ऑन कर देना है ताकि आपका जो स्कॉट ट्रैक्टर है वो रियलिस्टिक बन जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले आपको डीजे, और डीजे आपको ऐसा लेना है भाई कुछ मस्त तड़कता भड़कता, कुछ यानी कि अनोखा दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला कहना चाहिए। तो क्या मेरे को ये जो डीजे है ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है वैसे अभी के हिसाब से। अब देखते बाद में अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम चेंज कर सकते हैं। वैसे गाइस इससे अच्छा और एक डीजे है, वो मैं ला के देखता हूँ वाला डीजे कैसा लगता है। तो गाइस जो अगला डीजे भाई ये वाला डीजे ये भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गाइस ये मैं बहुत वीडियोस में यूज़ कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको यूज़ ना करते हुए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ये वाले डीजे को। तो भाई अब देखो आगे की जो सेटिंग्स है ना भाई, ये थोड़ी ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस ये सेटिंग्स अगर से आपने मिस कर दिया तो समझ लो आपने स्कॉट ट्रैक्टर का जो लुक है उसको मिस कर दिया। तो गाइस क्या करना है आपको, स्टेयरिंग में आपका जो भी मनपसंद स्टेयरिंग है उसको आपको देख लेना, यानी कि देखना है जो भी करना है कर लेना। तो गाइज यहाँ पे थोड़ी मेन सेटिंग आ जाती है। गाइज ये जो आपको बम्पर वाला ऑप्शन है, तो गाइज यहाँ पे आपको देखो सबसे लास्ट में भाई, सबसे जो लास्ट वाला बम्पर है इसको रखना है। तो गाइज ये जो लास्ट वाला इसको रखना है या फिर इसको रखना है, ये दो में से आप कोई भी रख सकते हो, ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो गाइज मैं ये वाला रख रहा हूँ। एंड गाइस देखो भाई यहाँ पे आपको साइलेंसर में क्या रखना है भाई, कोई भी साइलेंसर नहीं रखना है, आपको रखना है साइलेंसर में ये वाला साइलेंसर। ये साइलेंसर में जो स्कॉट ट्रैक्टर वो एक नंबर दिखने वाला है। एंड गाइस अब आ जाती है एकदम मेन सेटिंग। तो गाइस मेन सेटिंग बोले तो भाई आपको टायर्स में क्या करना है भाई, आपको टायर्स में रखना है भाई कौन सा टायर, ये वाले टायर। ध्यान से देखो गाइस, यही वाले आपको टायर रखना है भाई, इसके अलावा आपको दूसरे टायर नहीं रखना है। तो गाइस अब यहाँ से जो सेटिंग है ये पूरी हो चुकी है। एंड भाई अब ध्यान से देखो आपको क्या कहना है, आपको जाना है व्हील्स वाले ऑप्शन में। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना। एंड गाइस यहाँ पे आपको व्हील्स जो है ना भाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो भाई, ये छोटे व्हील्स रख सकते हो, चाहे तो बड़े व्हील्स रख सकते हो। मेरे को ये वाले व्हील्स अच्छे लग रहे इसलिए मैं ये वाले व्हील्स रख रहा हूँ, वैसे ये भी व्हील्स थोड़े अच्छे ही लग रहे, लेकिन गाइस मैं यही वाले व्हील्स लग रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को यही वाले व्हील्स अभी के लिए थोड़े अच्छे लग रहे। तो गाइस मैं ये वाले व्हील्स को तो कंफर्म कर देता हूँ। एंड भाई अब यानी कि बात आ जाती है मेन खुफिया ट्रिक्स के बारे में। तो गाइस यहाँ से आप थोड़ी लिफ्ट है ना भाई, लिफ्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे की थोड़ी लिफ्ट है उसको कम कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि ट्रैक्टर थोड़ा आगे से दबा दबा लगना चाहिए इसलिए। एंड पीछे की जो लिफ्ट है वो तो गाइस अपने आप में ही ठीक है। एंड गाइस अब आ जाते हैं एकदम मेन, एकदम परफेक्ट एंड एकदम खुफिया सेटिंग। अभी तक की तो भाई कुछ भी नहीं थी, लेकिन इससे वजह से ही आपका ट्रैक्टर स्कॉट ट्रैक्टर लगने वाला है। तो गाइज आपको जाना है कलर चेंज वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे आपको जाना है भाई व्हील्स कलर जो भी रखना रख लेना, हेडलाइट कलर में जाके यहाँ पे जो हेडलाइट कलर है इसको कर देना है गाइज आपको सबसे ज़्यादा ब्लैक, ब्लैक कलर कर देना है। तो गाइज यहाँ पे स्कॉट कलर ऑयल कलर को आपको ब्लैक कर देना है हेडलाइट कलर को। एंड गाइज मॉडिफिकेशन में जाके एक ऑप्शन को आपको बंद करना पड़ेगा, इंस्टेंट मोड के ऑप्शन को आपको बंद कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन में आना है। एंड यहाँ पे फिर से आपको जाना है भाई कलर्स वाले ऑप्शन में, जाने के बाद में बॉडी कलर्स वाले ऑप्शन में। एंड गाइज आप ध्यान से देखो भाई, आपको बॉडी कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद में गाइज इसको जो है यहाँ पे आपको जो रेड कलर दिख रहा है भाई इसको आपको ब्लैक नहीं करना है, बल्कि आपको इसको कर देना है फुल
ग्रीन वाले को भी कर देना है फुल, एंड गाइस ये भी कर देना है फुल। गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है भाई, अगर ज़्यादा भी फुल लगोगे तो रखोगे तो क्या उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए गाइस आपको इतने इतने सेटिंग पर रखना है। तो गाइस इसको इतने इतने पर रखना है, और अब देखो भाई ये देखो गाइस एकदम आपको पीछे से, तो भाई अभी तो आपको पीछे से पूरा स्कॉट ट्रैक्टर ही लग रहा होगा भाई, आप पहचान भी नहीं पा रहे होगे कि ये महिंद्रा ट्रैक्टर है। एंड गाइस देखो पूरा भाई एकदम तगड़ा लुक है। एंड गाइस यहाँ पे देखो मेरे को कार और भाई जो अपनी बस है इनने जकड़ लिया, इसलिए मैं ट्रैक्टर को कैसे चला नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से निकाल देते हैं हम अपने ट्रैक्टर को। एंड देखो भाई एकदम स्कॉट ट्रैक्टर ही लग रहा है, यानी कमेंट करके बताओ गाइस आपको कैसी लगी खूबिया रहेगा। और भाई आप अगर वाले कैमरा एंगल में चलाते हो तो आपको एकदम परफेक्ट स्कॉट ट्रैक्टर लगने वाला गाइस। यहाँ से देखो एकदम परफेक्ट स्कॉट ट्रैक्टर लग रहा है, यानी कमेंट करके बताओ गाइस भाई, आप कमेंट करके बताओ कि ये ट्रैक्टर आपको एकदम स्कॉट ट्रैक्टर लग रहा है या नहीं। भाई कौन सा ट्रैक्टर लग रहा है, अगर स्कॉट ट्रैक्टर नहीं लग रहा है तो गाइस ठीक है। और भाई अब मैं इसको थोड़ी क्या स्क्रीनशॉट आपको थंबनेल में दिखाने के लिए एक स्क्रीनशॉट खींच देता हूँ। गाइस जो हम स्क्रीनशॉट्स है वो यहीं से खींचते हैं, तो गाइस मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट आपके सामने खींच के देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको थंबनेल में लगाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कई नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।